नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाजिर हुई हूँ मैं न्यू लोकेशन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज की जो हमारी लोकेशन आ जाती है दोस्तों, वो सेक्टर 125 मोहाली की आ जाती है। आपके जो है कनेक्टिविटी इसके नियर बाय आपके जो एयरपोर्ट रोड आ जाता है। चंडीगढ़ आपके 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे आ जाते हैं। जो आपके कॉलेज स्कूल हो वो भी आपके नियर बाय में आ जाते हैं, क्योंकि हम एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चाहेंगे कि अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। वैसे ही मैं आपको लेके आई हूँ आज हमारे बेस्ट जगह पे। तो ये है दोस्तों वो कोठी, ये है भारत का एलिवेशन, ये जो है 5 BHK की हमारी कोठी आ जाती है। अगर बात करें इसके साइज की तो 140 गज का इसका साइज आ गया। तो ये है हमारा बर्न एरिया, यहाँ पे भी जो है आप इजिली गाड़ी पार्क कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करें तो दोस्तों 25x55 इसकी डायमेंशन आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आपका गेट आर्यन का, इसमें आपका गेट आ जाता है, 2 टायर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, कैमरा की आपकी फैसिलिटी रहेगी। तो एंटर करते ही हमारा यहाँ पे आ जाता है पार्किंग स्पेस। तो एक गाड़ी यहाँ पे आप इजिली पार्क कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में अगर आपका 3 व्हीलर कुछ भी है, एक्टिवा है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और आपको छोटा सा मिनी गार्डन दिया जा रहा है। तो ये है आपका मिनी गार्डन, वाटर टैंक की पूरी फैसिलिटी रहेगी। यहाँ पे हमारा टाइल्स का वर्क आ जाता है। तो अब चलते हैं हम हमारे मेन एंट्रेंस पे। तो ये आ गई दोस्तों हमारी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे भी हमने आपको जो है एक स्टोरेज दी है कि स्पेस को हमने खाली नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे जो है हमारे डोर आ जाते हैं। ये हमारा मैश डोर आ गया और ये हमारा सेकेंड डोर आ गया। तो आइए घर के अंदर स्वागत है आप सभी का। एंटर करते ही दोस्तों हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया जाता है। तो ये है हमारा ड्राइंग एरिया, जो काफी अट्रैक्टिव सिंपल सोबर हमारा ड्राइंग एरिया है। डाउन सीलिंग आपकी विद शेडुलर के साथ आती है। अब वॉल पेपर देखते हैं, वाओ, वॉल पेपर वुडन की फिनिशिंग के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपके जो है पार्टीशन दी गई है कि आपके डाइनिंग ड्राइंग एरिया में थोड़ा सा पार्टीशन मिल जाए। तो आप स्पेस तो देख ही रहे होंगे, काफी स्पेशियस है, विंडो मिल जाती है आपको वेंटिलेशन के लिए इसमें। तो ये आ गया हमारा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग सीटें लगा सकते हो। सामने देख रहे होंगे आप LED पैनल का स्पेस, तो कितनी बड़ी आपको LED दी जा रही है। 55 इंच की यहाँ पे LED लग जाएगी आपकी। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, अपने अचीवमेंट रख सकते हैं। तो ये था हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया। अब चलते हैं हम हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ। जैसे मॉड्यूलर किचन में आ जाते तो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ डिजाइन मिल जाता है आपको। तो इसमें आप सबसे पहले हम साइज देखेंगे, तो काफी अच्छा हम आपको साइज दे रहे हैं इसमें। ये हमारे कैबिनेट्स आ गए, इसमें आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाती है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमारे ड्रॉज आ गए, चिमनी आपकी इंक्लूडेड रहेगी और पेंट्री भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। ये आ गया आपकी पेंट्री, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कलर कॉम्बिनेशन कितना सिंपल सोबर सा है कि आप जो यहाँ पे काम करोगे तो काम करते मजा आ जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया जी हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, डाउन सीलिंग आ गई विद कंसीलर के साथ। सामने आप वॉल पेपर देख रहे होंगे, ये आपका वॉल पेपर आ गया, ये वॉर्डरोब आ गई आपकी स्लाइडिंग डोर के साथ, और रूफ टॉप तक हमारी वॉर्डरोब आ गई। सामने आ गया LED पैनल का स्पेस। तो इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो काफी अच्छे से इसको बनाया गया है हमने आपके लिए, कि आपका मन लगा रहे हमारे रूम पे। तो ये आ गया अटैच वॉशरूम, इसमें दोस्तों आपकी सारी फिटिंग आ जाती है, जैकवार की इसमें फिटिंग आ गई। ओ ड्रेसिंग एरिया दिखाना तो भूल ही गई। तो ये है ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया जी हमारा सेकेंड बेडरूम, डाउन सीलिंग आपके डिजाइन के साथ आ गई, वॉल पेपर आपका वॉल पेपर का, और जो आपके कबर्ड्स रहेंगे और आपका LED पैनल का स्पेस रहेगा, उसको एक अच्छे तरीके से बनाया गया है कि कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा है। तो ये आपका स्पेस आ गया वाइट, इसका स्पेस आ गया, ये आ गया हमारे कबर्ड्स। सामने आपका LED पैनल का स्पेस, इसमें जो है आपका वॉशिंग एरिया आ गया, यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आप। तो ये आ गया जी वॉशिंग एरिया, अटैच आपका वॉशरूम आ गया, इसमें भी आपकी सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी, जैकवार की फिटिंग रहेगी। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसकी जो एंट्री रहेगी वो हमारी बाहर से, ये
हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यहाँ पे आपका जो है आर्टिफिशियल ग्रास आ जाता है। ये आ गया आपकी बालकनी, ये बाहर का व्यू आ गया आपका, यहाँ बालकनी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यहाँ पे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। अगेन आपकी दो एंट्री आ जाती है, एक मैश डोर, एक आपका सेकेंड डोर। एंट्री करते ही आपका एक छोटा सा फैमिली लाउंज एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका देखेंगे आप वॉलपेपर आ गया। इसके मेरे साथ में ही आ जाता है आपका मॉड्यूलर किचन। इससे पहले आप डाउन सीलिंग देखिए, तो ये आ गया जी हमारा मॉड्यूलर किचन। तो आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ से आपके घर से इन्वेस्टमेंट आती रहेगी। तो ये है हमारा किचन, इसमें आपको कैबिनेट्स दे रहे हैं हम, ड्रॉज मिल रहा है, अच्छा हम आपको स्पेस दे रहे हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया जी थर्ड बेडरूम, काफी सिंपल सोबर सा है। अगेन जो मैंने आपको दो बेडरूम में दिखाया, वॉलपेपर, डाउन सीलिंग, एलईडी पैनल का स्पेस, ये सब आप इंक्लूडेड है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया जी फोर्थ बेडरूम, इसमें आपकी वुडन की टाइल्स आ जाती है, ये हमारा वॉलपेपर आ गया, सामने आ गए हमारे कबर्ड स्लाइडिंग डोर के साथ, वाइट थीम के साथ हमारा ये वाला रूम आ जाता है, सामने आ गया एलईडी पैनल का स्पेस, डाउन सीलिंग, ये वाइट थीम के साथ हमने रेडी किया है आप सभी के लिए अटैच वॉशरूम। इसमें सारी फिटिंग रहेगी जो हमारी जैकवार की रहेगी। ये स्टेज जा रही है आपके टॉप टेरेस के लिए, और साथ में आपका बैक साइड में वॉशिंग एरिया भी आ गया। अब देख लेते हैं हम हमारा लास्ट बेडरूम। तो ये आ गया जी लास्ट बेडरूम, ब्राउन थीम के साथ ये बेडरूम दिया जा रहा है, डाउन सीलिंग आ गई हमारी, सामने आ गया हमारा वॉलपेपर, ये हमारे कबर्ड्स आ गए, सामने ही एलईडी पैनल का स्पेस। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, अटैच वॉशरूम आ गया। तो ये है जी हमारा अटैच वॉशरूम। तो ये था हमारा लास्ट बेडरूम। तो दोस्तों ये था हमारा 5 BHK का विला, आप सभी को कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। जाने से पहले अगेन कह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपकी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ।